हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इनकम टैक्स रिटर्न में जो नया फॉर्म आया है AIS फॉर्म। AIS क्या है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये किस लिए लाया गया है और इसका क्या यूज़ है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। AIS फॉर्म में आप अपने इनकम से रिलेटेड जो भी साल भर के लेखा जोखा है उसे और वार्षिक जो भी आपने इनकम की इनकम कमाई है उससे रिलेटेड आप सारी जानकारी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने पैन से लॉगिन करके जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इसका ऑप्शन कैसे देखना है वो मैं आगे आपको, मोबाइल पर ही आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं अपना AIS फॉर्म, वो सारी जानकारी आपको अभी मैं आगे मोबाइल पर दिखाकर बताऊंगी। अब बात करते हैं AIS फॉर्म में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी देख सकते हैं। AIS क्या है? आप पहले जो 26AS फॉर्म था जिसमें हमारी वार्षिक इनकम और एक्सपेंसेस जो भी TDS कटता था वो डिटेल आती थी, वही आपकी अब 26AS के प्लेस पर अब AIS फॉर्म आ चुका है। अभी 26AS फॉर्म को हम हटाया नहीं गया है जब तक ये AIS फॉर्म पूरी तरह अप्लीकेबल ना हो जाए या पूरी तरह इसका यूज़ प्रॉपर करने के लिए यूज़फुल ना हो जाए, तब तक अभी फॉर्म 26AS वहाँ पर आपके पोर्टल पर शो होता रहेगा। अब बात करते हैं AIS फॉर्म में क्या क्या डिटेल आती है। तो AIS फॉर्म में जैसे आपका किसी TDS कटा है या TCS कटा है या आपने कोई शेयर खरीदा है या कहीं से आपको डिविडेंड रिसीव हुई है या जो भी आपके लाभांश हैं वो आप AIS फॉर्म में बिल्कुल डिटेल वाइज देख सकते हैं पूरे साल की। अब जब आप AIS फॉर्म चेक करेंगे तो इनकेस आपको उसमें कोई ऐसी इनकम है जो नहीं दिखाई दे रही है तो अब पोर्टल में ये भी ऑप्शन है कि आप AIS ऑप्शन में जाकर वहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हैं कि अभी मेरी ये इनकम शो नहीं हो रही है। और इन केस कोई ऐसी इनकम है जो शो हो रही है बट वो आपकी इनकम नहीं है तो भी आप फीडबैक में जाकर वहाँ पर एक यूटिलिटी ऑप्शन दिया गया है उसको डाउनलोड करके उसमें जो भी आपकी जैक्सन फाइल जो होती है उसे डाउनलोड करके वहाँ पर यूटिलिटी में जब ओपन करेंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि ये इनकम मेरी पैन से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन में जाकर उसे करेक्ट करके फिर से आप उसे अपलोड करेंगे तो वहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर उसे देखकर सही कर दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ AIS फॉर्म के थ्रू आपको बहुत ईजली मिल सकती है। ये जो AIS फॉर्म है यूज़फुल तो है ही आपके लिए, और आप सबसे पहले जब भी आप रिटर्न फाइल करने अभी जाइएगा तो एक बार AIS फॉर्म खोल के ज़रूर देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्म 26AS और AIS फॉर्म में कोई डिफरेंसेस हैं या आपकी कोई ऐसी इनकम है जो अभी ली नहीं गई है या ऐसी कोई इनकम है जो आपको याद नहीं है, आपने फॉर्म अगर फिल कर दिया और आपको पता भी नहीं चलेगा तो बाद में आपके पास नोटिस आ सकती है। तो ये AIS फॉर्म पूरी वार्षिक डिटेल जो भी है इनकम से रिलेटेड उसके लिए आप पूर्ण रूप से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि AIS फॉर्म को चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल पर ले चलती हूँ और AIS फॉर्म कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। आइए चलिए। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉगिन में जाकर आप अपने पैन से अपनी साइट को ओपन कर लीजिए। पहले पैन नंबर डालिए फिर कंटिन्यू कीजिए और फिर पासवर्ड डालकर उसे अपना लॉगिन करके अपना पोर्टल ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे इसमें कॉर्नर पर 3 लाइन्स आ रही है, 3 लाइन्स पर क्लिक करते ही आपको एक सर्विस ऑप्शन आएगा। उस सर्विस ऑप्शन में जाकर उसमें एक AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ रहा है उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए AIS खुल गया है। अब हम AIS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल 2020-21 लिखा हुआ है, पैन नंबर है
और यहाँ पे देखिए एक आ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एक आ रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी वो होती है जिसमें साल भर की जो भी आपकी इनकम है वो उसकी एक समरी दे दी जाएगी, समरी वाइज आपको दिया जाएगा। इसमें आप समरी वाइज चेक कर सकते हैं कि आपका कितना TDS कटा है, कितना सेविंग, कितना आपके FD के इंटरेस्ट हैं, जो भी आपकी इनकम होगी अगर आपने शेयर्स खरीदा है या म्यूचुअल फंड खरीदा है वो उसमें आ जाएगा। इसको जो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी को खोलने के लिए जो प्रोटेक्टेड फाइल रहती है इसको खोलने का जो पासवर्ड होता है ये आपका पैन और आपका डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको कॉन्टिन्यूएशन में आप डालेंगे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तब देखिए इसमें आपकी सारी समरी की डिटेल पूरी दी गई है। जैसे अभी ये जिसका पैन है ये पैन मेरा ही है, इस पैन में देखिए सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिटेल है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड की दिखा रही है। अगर इनकेस आपका कोई TDS कटा हुआ है तो TDS से रिलेटेड डिटेल होगी। बाकी ये देखिए इसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरीके से देखिए इसमें सारा फाइनेंशियल आपका पैन नंबर और ये सब पूरा डिटेल अप टू डेट समरी वाइज देता है। इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी इसमें आपका समरी वाइज देगा। अब बात करते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें जो डिटेल होती है वो आपकी जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, इसमें जो डिटेल आएगी ये प्रॉपर आपकी मतलब एक आप समझ सकते हैं एंट्री की वाइज आएगी। एंट्री वाइज प्रॉपर डिटेल होगी कि कब कितना आपका TDS कटा है, कब आपने किस डेट में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर परचेज किया है किसी शेयर का तो उसका भी आ जाएगा, और अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदा है या कोई सेल किया है या लॉन्ग टर्म है कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सारी डिटेल बिल्कुल डेट वाइज आपकी उसमें शो होगी। अगर और इसका भी जो प्रोटेक्टेड जो फाइल होती है ये जो प्रोटेक्टेड फाइल है इसका भी सेम पासवर्ड होता है आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ कॉन्टिन्यूएशन में। ये देखिए ये पूरी डिटेल वाइज है, इसमें भी आपका सारी डिटेल ऊपर पहले जो भी डिटेल है आपकी बेसिक डिटेल होती है वो शो हो रही है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। देखिए सारी डिटेल आपकी शो हो रही है। इस तरीके से आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अपनी सारी इनकम की डिटेल जो भी आपने इनकम या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कहीं से आपको कोई भी इनकम रिसीव हुई है वो डिटेल वाइज अब आप आसानी से देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता था फॉर्म 26AS जो था उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है इनकम कहाँ से आ रही है, हमें याद नहीं रहता था, लेकिन ये जो फॉर्म आने से अब आपको ये चीज़ ईजी हो गई है और आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कहीं ये आपसे रिलेटेड है या आपकी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड तो नहीं है, तो वो भी आप आराम से इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से AIS फॉर्म से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जहाँ पे आपने पैन अप्लाई किया होगा वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से AIS फॉर्म आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के सर्विस ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़र मैनुअल जो बनाया गया है यहाँ पर आकर आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग मटेरियल में है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपको प्रेजेंटेशन देखना है कैसे क्या है यूटिलिटी का यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पर आकर आप PDF फॉर्म को डाउनलोड करके स्टेप वाइज जाकर देख सकते हैं। ये है आपका यूटिलिटी फॉर्म, यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिएगा। यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपको AIS ऑप्शन में जो आप पहले यहाँ पर गए थे वहाँ पे एक जैक्सन फाइल होती है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे यूटिलिटी में अपलोड करके जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर पूरा फॉर्म आपका यूटिलिटी फॉर्म फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा और कोई भी करेक्शन जैसे करना है AIS में करेक्शन करना है विनवन वहाँ पर आप व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, फीडबैक भी आप दे सकते हैं, अपलोड AIS फीडबैक पैकेट गारंटी जो है वो फ्रॉम AIS यूटिलिटी से दे सकते हैं, एक जैक्सन फाइल जो है वो अपलोड करके जनरेट कर सकते हैं। ऐसे सारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस AIS फॉर्म में दी गई है। इसी तरह आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में भी जाकर PDF और जैक्सन फाइल को डाउनलोड करके यूटिलिटी में पूरी डिटेल वाइज देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको एक सहूलियत दी गई है कि आप अपने रिटर्न के बारे में ईजिली कैसे सब कुछ जान सकते हैं, इनकम के बारे में, ये आप अपने रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।